हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल न्यू कोच एक्सपेरिमेंट में। आज मैं आपको माचिस से बम बनाना सिखाऊंगा और वो भी सुतली बम। तो ये बम बहुत ही जोर से धमाका करेगी, तो एक कैसे बनाऊंगा वो भी दिखाऊंगा और चला के भी दिखाऊंगा। सिर्फ आपको एक माचिस की मदद से वो बम बनानी है। तो आपको सबसे पहले तीली निकालनी है और उसके जो मसाला है तीलियों का वो मसाला निकाल लेना है। तो आप मसाला निकाल लीजिए, तो आपको कम से कम दो माचिस का मसाला निकालना है। तो मैंने दो माचिस का मसाला निकाल लिया है, देखिए ये दो माचिस का मसाला है। आपको भी दो माचिस का मसाला लेना है। तो और दो माचिस का मसाला लेने के बाद उसको अच्छे से बारीक पीसना है। बारीक पीसने के बाद पीसने के बाद में आपको जो ख़राब पटाखे होते हैं बिजली बम, उनका अंदर का मसाला लेना है। अंदर का मसाला लेने के बाद वो भी मतलब बराबर क्वांटिटी में लेना है, जितना मसाला और जितना पटाखे का मसाला दोनों बराबर लेना है। और आपस में मिक्स करने के बाद एक माचिस का जो अंदर का खोल आता है उसको काट लेना है, बीचों बीच से काटना है, क्योंकि हम इसको ही सुतली बम का कवर बनाएंगे। तो काटने के बाद में आपस में अटैच कर देना है दोनों को। आपस में अटैच करने के बाद देखिए बराबर एकदम खाना हो गया, और इसको टेप की मदद से पैक कर देना है, जैसे कि इसकी मतलब अच्छे से चिपक जाए। और इसको नाप के जो माचिस का खोल था उसको कट कर लेना है, क्योंकि मैं इसको ही कवर बनाएंगे इसका, तो इसके अंदर ही डालेंगे। तो इसको मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको कट कर दिया। अभी जो मसाला मैंने तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। तो मैं इसके अंदर डालने के बाद में देखिए मैंने इसमें मसाला डाल दिया, और इस मसाले को डालने के बाद में इस माचिस का जो खोल काटा था मैंने, इसमें मैं इसको पैक कर दूंगा। अभी इसमें डालने के बाद में मैं इलेक्ट्रिक टेप से इसको पूरा पूरा अपार से चिपका दूंगा। आपको ऐसे चिपकाना है किधर से भी इसको मतलब सांस नहीं मिलनी चाहिए हवा। अगर सांस नहीं मिलेगी तो ये बहुत ज़ोर से आवाज़ करेगा। जितना आप इसको पैक कर दोगे उतनी ज़ोर से आवाज़ करेगा। तो मैं इसको अच्छे से पैक कर दूंगा चारों तरफ से, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको चारों तरफ से पैक कर दिया है, और मैं इधर एक छोटा सा हॉल करूंगा। अभी हॉल किस लिए कर रहा हूँ, मैं इसमें फ्यूज़ लगाऊंगा पटाखे को आग लगाने के लिए। जो बत्ती मैंने एक ख़राब पटाखे की ले ली है जो, और इसमें लगाने के बाद में इसको भी अच्छे से पैक कर दिया। और मैंने सुतली से जो सुतली बम आती है ना उसकी तरह से सुतली मैंने लगा दी है। सुतली लगाने के बाद में जो इसका एक छोक था उसके ऊपर मैं टेप लगा दूंगा। तो मैंने इसके ऊपर एक टेप लगा दी है जैसे कि छोक निकल ना पाए। अगर आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। तो मैं ये सुतली बम तैयार होगी। अब इसको ट्राई करना है सिर्फ कि चलाना है कि ज़ोर से आवाज़ करेगी या नहीं करेगी। ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है, और ये ऊपर से आपको जो फ्यूज़ है ना उसको थोड़ा सा खुरच देना है, क्योंकि आप आग लगा के दूर भाग सकें। क्योंकि अगर आप उसका फ्यूज़ छोटा था तो आप आग लगाओगे तो जल्दी फट जाएगी, इसलिए इसका फ्यूज़ को थोड़ा ऊपर से खुरच दीजिए, क्योंकि आपको भागने का टाइम मिल जाएगा। तो बस इसको आग लगाते हैं और देखते हैं आवाज़ करेगी या नहीं करेगी।